गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर ट्वेंटी थ्री इन योर ई वी एस बुक ऑफ चैप्टर फोर सो लेट्स वी स्टार्ट दीज आर क्वेश्चन आंसर्स टू योर सेल्फ इन योर कॉपी ओके सो लुक ही द पर्सन हु मेंटेन्स क्लिनिनेस इज़ दस्ट नॉट द वन हु स्प्रेड ट्रेस एक व्यक्ति जो कि स्वच्छता बनाए रखने का काम बनाए रखता है वह सबसे अच्छा होता है ना कि गंदगी फैलाने वाला आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ अपनी भाई की पत्नी से सारे फैक्ट्स सुनने के बाद गंगा एंड हर फ्रेंड्स गंगा और उसके फ्रेंड्स ने मेड सम रिसोल्यूशन कुछ संकल्प लिया टू मेक बनाए बनाने में क्लिनिनेस देयर हैबिट स्वच्छ आदत बनाने में गंगा और उसके फ्रेंड्स ने अपनी स्वच्छ आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए कब लिए आफ्टर लिसनिंग आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ गंगा की भाई की पत्नी से सुनकर सारे फैक्ट्स सुनने के बाद फर्स्ट इज वी विल नॉट थ्रो पेपर पेंसिल सेविंग्स रेपर्स ऑफ टॉफीज एक्सेट्रा इन आवर क्लास हम हमारी क्लास में पेपर पेंसिल सेविंग और टॉफी के रेपर हैं उनको नहीं फेंकेंगे नाउ पेज टेकेंड पॉइंट इज वी विल नॉट राइड ऑन द वॉल फ्लोर और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक दैम डेटी और हम दीवारों पर फर्श पर और फर्नीचर पर ना तो लिखेंगे और ना ही उनको गंदा करेंगे थर्ड पॉइंटीज वी विल नाइट स्पिट नॉट स्प्रेड लिटल एवरी वेयर और हम प्रत्येक जगह न तो थूकेंगे और ना ही उसे गंदा करेंगे फोर्थ पॉइंट इज वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टैडी क्लॉथ हम रोज नाहेंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे फिफ्थ पॉइंट इज वी विल नॉट मेक यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स हम प्लास्टिक बैग का भी उपयोग नहीं करेंगे सिक्स पॉइंट इज वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लिनिनेस इन अवर स्ट्रीट्स कॉलोनीज हॉम्स एंड पब्लिक प्लेसेज और हम हमारी गलियों में कॉलोनियों में घर पर और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई बनाए रखने में योगदान देंगे सेवन पॉइंट इज वेन एवर जब कभी भी गो टू वाइब वेजिटेबल्स ग्रॉसरी और अदर हाउस जब कभी हम बाजार सब्जी खरीदने या किराना का सामान या घर के कुछ अन्य सामान लेने जाएंगे तब तो हमेशा अपने साथ कपड़े का बैग लेकर के जाएंगे सो स्टूडेंट लुक हेयर स्पेशल वेन एवर जब कभी एनी वन कोई भी व्यक्ति वेन टू गांधी जी आश्रम गांधी जी के आश्रम जाता है ही वॉज फर्स्ट ऑल गिवन अ वर्क टू क्लीन द टॉयलेट्स एज ए पार्ट ऑफ डेली वर्क तो सबसे पहले उसको टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता है जैसे कि हमारा डेली का काम है इफ़ यदि ही कंप्लीटेड द वर्क सेटिस्फैक्ट्रीली देन ओनली एनी अदर वर्क वॉज असाइन टू हिम और जब वह इस काम को संतुष्टि से पूरा करता है तब उसे दूसरा काम दिया जाता है द रीजन फॉर द सेम इज यही कारण है कि गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द टाइडिनेस एंड क्लिनलीनेस हम क्योंकि तो यही कारण है गांधी जी ने हमेशा स्वच्छता पर महत्व तो दिया है टुडे आज इन आवर कंट्री हमारे देश में क्लीन इंडिया मिशन स्वच्छ भारत अभियान हैज स्टार्टेड शुरू किया एट द नेशनल लेवल उसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है आज हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है एम्फासिस इज गिवन टू द फैक्ट दैट रोड्स स्टेशन बस स्टैंड एक्सेट्रा आर फाउंड क्लीन एंड देयर मस्ट वी ए ट्रेस कैन इन एवरी हाउस होल्ड आपने देखा होगा कि हमारे जो बस स्टैंड है स्टेशन है वहाँ एकदम क्लीन पाए जाते हैं क्यों क्योंकि हमारे जो सरकार है वो सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इस वजह से और हमारे जो भी घर का जो कचरा होता है उसको लेने गाड़ी आती है और फिर उसका क्या किया जाता है देखिए अलोंग विथ दिस इसके साथ ए प्रॉपर डिस्पोजल एक प्रॉपर उपयोग किया जाता है इसका ऑफ द ट्रेस जो गंदगी होती है उसका थ्रू रिसाइकलिंग इज एसेंशियल इसके जो पुनर्निर्माण रिसाइकलिंग मीन्स होता है पुनर्निर्माण जो भी कचरा होता है उसकी रिसाइकलिंग होती है मीन्स पुनर्निर्माण करके उसे काम में लिया जाता है वी लर्न फर्स्ट पॉइंट इज क्लिनिनेस इज नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है सेकेंड पॉइंट वी शुड मेंटेन आवर क्लीननेस आवर सेल्स हम अपने आप को साफ रख के स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं मीन्स रखनी चाहिए थर्ड इज क्लीननेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन स्वच्छता किसी को इम्प्रेस करने आ, नहीं करनी चाहिए जो कर दी क्लिननेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन इन इट मस्ट बिकम आवर हैबिट जो सफाई है उसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करनी चाहिए बल्कि ये इसे हमें अपनी आदत बना लेनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड यूज टॉयलेट्स एंड शुड नॉट गो फॉर अपन डिफेक्शन हमें टॉयलेट्स का यूज करना चाहिए खुले में शौच नहीं करनी चाहिए सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज फिनिश्ड ओके बाय बाय